एपिसोड का स्टार्टिंग में डियाब्लो और उसके दोस्त एक साथी सेलेस के साथ बातें करने के लिए जा रहे होता है कि उनके पास आ गया था डीमन लॉर्ड क्रप्सलम। और इसके बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो तुम लोग को इसके पहला वाला एपिसोड देखना ही चाहिए। अब तक उसको नहीं देखी हो तो एक बार चेक कर लेना। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में। डीमन लॉर्ड उनके पास आ गई थी और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था। वो लोग ऐसे ही अपने पास डीमन लॉर्ड को नहीं रख सकते तो इसलिए वो लोग सेलेस के पास जा रहे होता है। इसी टाइम में सेरा और क्लैम एक साथ एक गाना गा रहे होते हैं जो कि बहुत फनी था और इससे डियाब्लो को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। गाना बहुत अजीब होता है लेकिन इसको गाकर वो दोनों बहुत हैप्पी थे और इसके बाद वो लोग रैम को भी इसमें शामिल कर लेता है। भी किसी बात के कारण के लिए बहुत चिंतित होती है। खैर इसकी बात है मेरी ध्यान जाता है एलिसिया को और वो भी थोड़ा गुस्से में होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है उसका कोई इरादा है इसमें। आता है रेस्टोरेंट। डियाब्लो कल रात के बारे में सारा बात सेलेस को कह रहता है और उसके बारे सेलेस्टिना कहती है। हमारे बातों को सुनकर और क्लैम को देखकर ऐसा लगता है वो डेंजरस नहीं है। वो एक डीमन लॉर्ड हो सकती है लेकिन वो नहीं जानती उसको क्या करना है। इसलिए अभी के लिए हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, यानी उसको बिस्किट खिलाना होगा क्योंकि ये उसका काम है, बाकी वो किसी को मारना नहीं चाहती। ये हमारे लिए अच्छा बात है। और ऐसे ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं वो लोग क्लैम को अपने साथ ही रखने वाले। खैर इसके बाद सेलेस्टिना अपनी जगह में चली जाती है। डियाब्लो और उसके दोस्त एक साथ ही बातें करते हुए होटल की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पर डियाब्लो और सेरा एक साथ ही बातें कर रही थी। सेरा कहती है वैसे डियाब्लो सेलेस्टिना ने क्या कहा, और उसके बाद डियाब्लो कहता है सेलेस्टिना ने हमें इजाजत दे दिया है, यानी क्लैम हमारे साथ रह सकती है क्योंकि वैसे भी क्लैम अभी के लिए तो डेंजरस नहीं है, उसको बिस्किट खाना है जो कि बहुत सिंपल बात है। सेरा इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है हाँ सेलेस ने सब कुछ सही कहा, और उसके बाद वो डियाब्लो को पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद ही वो अपने दोस्त को देखती है जहाँ पर उनके पीछे कोई नहीं होता और उसको देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं बाकी सब कहाँ गए होंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिसिया क्लैम और रैम आ गए थे एक गले में, और उसके बाद रैम कहती है वैसे वो लोग कहाँ पर आए हैं। एलिसिया स्टॉप हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। उसे क्लैम के साथ सेरा को भी लाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं नहीं जानती कौन सी चाबी मेरे काम आने वाला है। इन सारी बातों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसके बाद वो कहती है तुम करना क्या चाहती हो। इससे कहती है वो डीमन लॉर्ड को जगाना चाहती है। इसको सुनकर रैम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, साथ ही वो सॉक्ड हो चुकी थी। और उसके बाद एलिसिया अपना सारा बात कह रही है डीमन लॉर्ड यानी क्लैम को जगाना चाहती है, और उसके कारण वो पहले से ही इसका ट्राई कर रही थी लेकिन ये नहीं हो पाया था। लेकिन अब उसके पास एक मौका आता है। होटल में डियाब्लो और सेरा इधर आ चुकी थी। वो लोग देखते हैं इधर भी कोई नहीं होता और इसको देखकर डियाब्लो बहुत गुस्सा होता है। वो सोच रहा होता है वो लोग कहाँ पर जा सकता है। डियाब्लो जान लेता है इसमें कोई अजीब बात है, तो इसलिए वो कहता है सेरा मैं बाहर इनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग इसके बाद होटल में भी आ सकते हैं, तो इसलिए तुम्हारे पास एक काम है, तुम होटल में ही रहोगी और उनके लिए वेट करोगी तक मैं उनको बाहर ढूंढता हूँ। सेरा कहती है काम हो जाएगा, और उसके बाद डियाब्लो बाहर ढूंढने के लिए चला जाता है। आता है एलिसिया के ऊपर और वो अभी कह रही होती है आता है एलिसिया के ऊपर वो अभी कह रही होती है डीमन लॉर्ड को जगाने के लिए कितना मैजिक का यूज होने वाला है। एलिसिया के इरादों को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम सच में चाहती हो डीमन लॉर्ड जग जाए और उसके बाद वो सबको मार दे, ये थोड़ा भी अच्छा नहीं होने वाला। साथ ही एलिसिया तुम तो हमारी दोस्त थी, तो उसके बाद तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और उसके बाद एलिसिया कहती है ये बात तो है, यानी वो उनकी दोस्त थी इस टाइम के लिए, यानी उन्होंने बस रैम का यूज किया और मैं चाहती हूँ डीमन लॉर्ड जग जाए और सबको मार दे। रैम कहती है ऐसा नहीं होने वाला। एलिसिया कहती है ऐसा ही होने वाला है। और वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ चुका था सैडलर। सैडलर रैम और एलिसिया को देखकर कहता है तो तुम दोनों इधर हो बहुत अच्छा हुआ। एलिसिया सैडलर को देखकर कहती है सच में मैं इधर जल्दी आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी सेडलर मैं जानती हूँ कौन डीमन लॉर्ड का पूजा करता है। और उसके बाद एलिसिया कह रही है रैम डीमन लॉर्ड का पूजा करती है, साथ ही वो डीमन लॉर्ड के साथ ही रहना चाहती है। सेडलर इससे बहुत हैप्पी होता है, वो कहता है एलिसिया तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। रैम कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो डीमन लॉर्ड का पूजा नहीं करती। और उसके बाद सेडलर कहता है वो जानता है कौन डीमन लॉर्ड का पूजा करता है और कौन नहीं, तो एक सच्चे प्रिंस होने के नाते मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। इसे सुनकर रैम कहती है तुमको तो डियाब्लो ने रॉक कर दिया था, तो उसके बाद तुम इधर कैसे आ सकते हो। सेडलर कहता है क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ, यानी मुझे अपना काम करना ही होगा, जो लोग गॉड के खिलाफ जाते हैं मुझे उसको सजा देना होगा, इसलिए मैं इधर आ गया। और उसके बाद वो अटैक करने वाला होता है। इसे देखकर रैम अपना समन बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वो अपने समन को अटैक करने के लिए दे देती है, लेकिन जो उसका समन होता है इसके पास पावर तो बहुत ज्यादा था लेकिन इधर लोग बहुत सारे होते हैं। वो लोग एक साथ ही उस समन को रोक देते हैं और उसके बाद सेडलर आगे आता है। सेडलर रैम के समन को मार देता है और उसके बाद वो कहता है जो लोग गॉड के खिलाफ जाते हैं इनको तो मरना ही होगा, साथ ही जो इनमें हेल्प करते हैं इन सबको भी सजा दिया जाएगा।
रैम इससे बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो अपने हाथों से फाइट करने के लिए आगे आ जाती है। रैम सैडलर को अटैक करने के लिए आगे आ जाती है लेकिन इसी बीच सैडलर उसे रोक देता है। सैडलर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या गॉड को मार सकती हो, ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद वो रैम को पनिश कर रहा होता है। साथ ही रैम बहुत से दर्द में होती है और वो गुस्सा भी होती है क्योंकि एलिसिया ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। एलिसिया रैम के कानों के पास आती है और उसके बाद वो कहती है, इसको जगाने के लिए बस नफरत का काफी है। उसके बाद रैम बेहोश हो गई थी। खैर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से सीन में जहाँ पर रैम अपना आंखें खोलती है। रैम और क्लैम गाड़ी में होते हैं जहाँ पर सेलर के लोग उनको कहीं पर ले जा रहे होते हैं। वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर क्लैम कहती है, मैंने सुना है तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, साथ तुम्हारे फैमिली को भी, और उसके लिए मुझे माफ कर देना। और उसके बाद रैम कहती है, मैं तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये बस एक सांप था और उसके लिए हमें ये काम करना पड़ा। लेकिन एक बात तो सच है, मुझे तुमसे बहुत नफरत थी। मेरे पास एक ही मिशन था, तुम जब बाहर आओगी मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन तुम जब बाहर आ गई तो इसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता तुम्हें मारने का कोई भी जरूरत है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बारे में मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। क्लैम थैंक यू कहती है और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। साथ ही क्लैम कहती है, वैसे वो लोग अभी एक गाड़ी में है, मेरे पास इतना पावर है कि मैं इस गाड़ी को तबाह कर सकती हूँ और हम दोनों इधर से जा सकते हैं। मैं तुम्हें आगे आने वाले मुसीबतों से बचाने वाली हूँ। और उसके बाद रैम कहती है तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं नहीं चाहती लोग ऐसे मारे जाए। कहती है, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है वो लोग तुम्हें पनिश कर दे। कहती है, मेरे साथ जो भी हो जाए मुझसे एक प्रॉमिस करो, इसके आगे जो होने वाले वो देखा जाएगा, लेकिन तुम किसी को मारने वाले नहीं हो, तुम मुझे प्रॉमिस करो। जहाँ पर क्लैम को ये प्रॉमिस करना ही पड़ता है। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और इसके बाद वो लोग आ गए थे सैडलर के डेस्टिनेशन पॉइंट पे। ये था एक ग्रेवयार्ड। लड़के लोग रैम और क्लैम को उतार देते हैं। साथ ही वो लोग कहते हैं इधर उनको फीक किया जाएगा और इससे उनको बहुत मजा आने वाला है। रैम और क्लैम को लाया जाता है घर में जहाँ पर वो लोग देखते हैं इधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे लोगों को मारा जाता है, इनको सजा दिया जाता है। इसको देखकर रैम जान गई थी उसके साथ जो आगे होने वाला है ये अच्छा नहीं होने वाला। इसी बीच इधर सैडलर भी आ जाता है। वो कहता है, तुमको इधर फ्री किया जाएगा और इसके लिए तुम बहुत से लकी हो, साथ ही मैं इधर आ गया यानी गॉड आ चुका है। इसके नाते मेरे पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है और इस बॉडी से मैं सबको मारता हूँ। मैं डीमन हूँ और डीमन गॉड के खिलाफ होता है, तो इसलिए तुम्हें चिंता नहीं रहना। और उसके बाद रैम को ले जा रहा होता है एक जगह तक। रैम एलिसिया को देखती है जहाँ पर वो भी इधर आ चुकी थी। एलिसिया और रैम एक साथ ही बातें करते हैं जहाँ पर अभी के टाइम में रैम सब कुछ समझ गई थी। एलिसिया का पहले से ही इरादा यही था, यानी उसको ये सब करना ही था। उसने एलिसिया को पहले भी देखा था लेकिन उसने इतना नोटिस नहीं किया था, जो कि उसका सबसे बड़ी गलती यही है। उसके बाद रैम को सैडलर सजा देने वाला होता है। सीन आ जाता है डियाब्लो के ऊपर। डियाब्लो थक चुका था लेकिन अभी भी उनको एलिसिया नहीं मिली थी और उसकी कहानी वो बहुत ज्यादा चिंतित होता है। वो सोच रहा था वो कहाँ पर जा सकते हैं। डियाब्लो ने सारा जगह चेक कर लिया था लेकिन इसके बाद भी वो इधर नहीं होता है। उसके लिए डियाब्लो सोच रहा था वो लोग कहाँ पर हो सकते हैं और इसी बीच वो एक सांग को सुनता है। आगे देखता है जहाँ पर एक गिल्ड ऑफिस था, तो इसलिए वो इसके अंदर आ जाता है और वो देखते हैं इमाइल सारी लड़कियों के साथ बातें कर रहा था, अपनी कहानियां सबको सुना रहा होता है। और उसको देखकर डियाब्लो को एक होप मिलता है। डियाब्लो सोचता है वो अपना बात इन सबको कह सकता है और इसके बाद शायद से ये लोग उसका हेल्प भी कर देंगे और ऐसे ही उसके लिए ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ही डियाब्लो सोचता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है, उसके पास एक ईगो है और इसके लिए वो किसी को ऐसे हेल्प के लिए नहीं बुला सकता। और इसके कारण वो सोच रहा होता है वो इनको क्या हेल्प के लिए पूछने वाला है या फिर नहीं। डियाब्लो को इस हालत में देखकर इमाल भी दंग रह जाता है। वो सोच रहा होता है डियाब्लो कुछ कहने भी वाला है या फिर नहीं। और इसी बीच इधर एक एडवेंचरर आ जाती है, कहती है उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है, रैम को किडनैप किया गया है और वो नॉर्थ की तरफ है। डियाब्लो इसे सुनकर बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है, वैसे क्या तुमने ये भी सुना है उसके साथ और कोई है। और उसके बाद वो कहती है उसके साथ एक चौथी लड़की है, ऐसे न्यूज आ गया है। इसको सुनकर डियाब्लो सोचता है बस काम हो गया और उसके बाद वो बाहर निकल के उसकी तरफ जा रहा होता है। माइल भी डिसाइड कर लेता है वो भी रैम को बचाने के लिए जाने वाला है। वो कहता है वो औरतों के साथ प्यार करता है, वो सबको बचाने वाला है। इसके बाद सीन आता है फाल्ट्रा में जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके थे। उस जगह किंग यानी गल्फोर्ड देखते हैं उसके किंगडम के चारों तरफ आ चुके थे फॉलन का एक सेना, साथ ही एडलगार्ड भी इधर आ चुकी थी। उनको देखकर ऐसा लगता है वो लोग इधर वार के लिए आ चुके थे। सीन आता है इसके ऊपर और वो थी एक टावर में, साथ ही वो अपने मैजिक से उस किंगडम के चारों तरफ एक बैरियर को ला रही थी। कहती है ना जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन वो इंसान फॉलन को अंदर नहीं आने देगी। फिर शिफ्ट होता है उसे जगह में जहाँ पर रैम को पनिश किया जा रहा था। सैडलर कहता है जो तुम्हारा कान है वो एक डीमन का है, साथ ही जो तुम्हारा मुंह है वो भी एक डीमन का है, तुम्हारा पूंछ भी एक डीमन का ही है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता ये सब तुम्हारे साथ रहे और इसलिए मैं इसको अलग करने वाला हूँ। और इसके बाद वो अपना पहला काम कर देता है जहाँ पर रैम के कान को काट रहा होता है। इससे रैम को बहुत दर्द होता है जहाँ पर रैम चिल्ला भी देती है। रैम इसी सीन को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है, रैम क्या मैं इन सबको मार दूँ, क्योंकि मेरे पास वो पावर है इसे तुम्हें नहीं देख सकती। और उसके बाद रैम कहती है
मुझे माफ कर देना, लेकिन हम लोगों ने कुछ वादा किया था और इसको तुम्हें निभाना होगा। कहती है ठीक है, और उसके बाद सैडलर फिर से रैम को पनिश कर रहा होता है। इसको देखकर क्लैम्प चुप नहीं होती। इसके बाद वो कह देती है ऐसे रैम को नहीं देख सकती, वो इन सबको मारने वाली है। इसे देखकर सैडलर भी क्लैम्प से बहुत गुस्सा होता है, कहता है तू इनके साथ है तो इसलिए तुझे भी मरना होगा, तुझे भी पनिश किया जाएगा। और इसके बाद सैडलर आ गया था क्लैम्प के पास और वो अटैक कर ही देता है। लेकिन आगे आ जाती है रैम, रैम का हालत बहुत बुरा हो जाता है। इससे क्लैम्प को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद सैडलर रैम को मार ही देता है। रैम के अंदर 7 या फिर 8 टाइम स्टैप करता है और उसके कारण रैम का बहुत बुरा हालत हो चुका था। इसे देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो ओवर कंट्रोल हो चुकी थी, वो अपने डीमन फॉर्म में आने लग गई थी, मरने वाले हालत में होते। साथ ही इसी सीन को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। रैम जान गई थी जो एलिसिया ने कहा था, उसको बस नफरत चाहिए, और इसके बारे में रैम इधर जान गई थी। उसके कारण डीमन लॉर्ड बाहर आ गया है और उसके कारण वो सॉरी कहती है और उसके बाद वो मर जाती है। डीमन लॉर्ड बाहर आ चुका था और उसको देखकर सैडलर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही वो डर भी जाता है। लेकिन इसके बारे में वो कहता है वो एक गॉड है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और उसका काम है डीमंस को मारना, तो इसलिए ये उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, वो डीमन लॉर्ड को मार देगा। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है डीमन लॉर्ड को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद वो अपना अटैक करती है, जहाँ पर सैडलर जान गया था वो इसे नहीं जीत सकता। सैडलर कहता है ये नहीं हो सकता, वो तो एक गॉड है, क्या वो सच में एक गॉड है। इसके बाद डीमन लॉर्ड अपना अटैक कर देती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और उसके कारण सैडलर का मौत इधर हो गया था, सैडलर का काम खत्म हो जाता है। साथ ही हमें दिखाया जा रहा है बहुत सारा पावर जो कि ऊपर जा रहा था और उसको देखकर सब लोग जान चुके थे कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। एलिसिया जान लेते हैं क्रब स्लैम बाहर आ चुका है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था। एलिसिया तो इससे हैप्पी ही होती है। खैर इसके बारे में दिखाया चले डियाब्लो को और वो इधर आ चुका था, उसके सामने क्रब स्लैम आ गया था। और इसी बीच उसके पास सेरा भी आ जाती है और उसके बाद वो रैम की हालत को कह देती है जो कि बहुत बुरा था। डियाब्लो इसे सुनकर बहुत अपसेट होता है और उसके बाद वो सेरा के हाथ में बहुत सारा पॉइजन दे देता है, कहता है तुम रैम के पास जाओ और मैं इसे संभाल लेता हूँ। सेरा कहती है ठीक है, लेकिन तुम अपने आप का ख्याल रखना। और उसके बाद डियाब्लो कहता है तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो, मैं हूँ दूसरे वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड, मेरे पास इतना तो पावर है मैं इसको संभाल सकता हूँ। और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, जो कि इसका फाइनल एपिसोड होने वाला है। और अब तक इसको देखिए तो ABC लिखना मत भूलना, क्योंकि ये आज का कोड है, जहाँ तो अजीब है लेकिन लिख देना एंड बाय।